अनाहत सिंह भारत यंग स्क्वाश सुपरस्टार स्क्वाशपरस्टार गेम्स रे स्क्वाश मिक्सड डबल्स और टीम इवेंट रे ब्रोज पदक जीति मिक्स डबल्स अभय सिंह और सिंह को ब्रोज पदक मिलता चौदह वर्ष बयस बैस राज्य गोष्ठी क्रीडार भारत प्रतिनिधित्व सर्वकनिष्ठ आथलेट होते डिसेबर दुईहजारेई सुधा से बाड़ा अंडर सेभेन्ट वर्ग ने एसी द्वितीय स्थान रही पिता जन आईनजीवी ए माँ जी रही, सेम रही, रही से पूर्व जो हकी प्लेयार रही उभय पिता और माता हकी खेला रही सारी प्रथमें से छ वर्ष बयस बैडमिंटन से स्क्वाश खेल आरंभ कले स्क्वास किभली भाव खेलुंत पूरा विश्व तो बर्तमान स्वागत करवा बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज में पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन हो लेकिन अनाहत हमेशा हस्ती रहती है तो ये आपका सक्सेस है सीक्रेट क्या हाँ जब भी मैं कोर्ट में भी जाती हूँ मुझे पसंद है कि मैं कोई प्रेशर नहीं हूँ या हम हर चीज में मुझे मजा है देखिए अभी बहुत यंग uh, एज में आपने बहुत सारे किताब जीत चुके हैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीत चुके हैं लेकिन अगर मैं आपको पूछूँ कि सबसे बेस्ट कौन सा था क्योंकि आप अंडर uh, इलेवन बोले फिफ्टीन बोले आप गोल्ड बो, बहुत सारे जीत चुके हैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज कौन सा मेडल आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा खुशी आपको दिया है अभी तक एशियन uh, गेम्स का ब्रॉन्ज हंड्रेड सबसे अच्छा है ओके okay. uh, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था घर में सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है हॉकी खेल चुके आपके पिता माता तो uh, आपके बहन भी स्क्वाश प्लेयर रह है चुके हैं तो घर में कैसा माहौल रहता है जब लोग आप इकट्ठे हो रहे हो तो खाली स्पोर्ट्स के बारे में ही बातचीत होता है आ, हमेशा नहीं पर कभी-कभी मतलब टूर्नामेंट्स का डिस्कशन या

क्या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहती है, है नहीं, पर उसके बाद अगर आप वो टूर्नामेंट जीते हो आप अंडर नाइनटीन के नंबर वन होते हैं हो, पर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी में ब्रिटिश ओपन और ब्रिटिश ओपन में होता है वो भी सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनली में बहुत

तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं कि कैसे पॉइंट होता है और कैसे अगर कोई इसमें कैरियर करना चाह रहा है क्योंकि आप भी अभी खेल रही है तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे कैसे शुरुआत करें और कैसे सब पॉइंट होता है क्योंकि अभी शायद ग्यारह पॉइंट हो गया है आ, पहले तो ज़्यादा स्कोश का लोगों को ज्यादा जा, पता नहीं था पर हम जब ओलंपिक्स में अभी स्कोश आया था एक दो महीने पहले तब तो थोड़ा सा ज्यादा सब लोग को पता चल रहा कि स्कोश एक स्पोर्ट है और लोग कैसे खेलते हैं और हम जब हमारे पास बहुत एशियन गेम्स में मेडल्स भी आए थे स्कोश में इंडिया से और हम थोड़ा सा रिकोगशन मिल रहा है दूसरे लोग से पर हम अभी मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं क्रिकेट से या बैडमिंटन से तो अभी तो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि स्पोर्ट कैसे खेलते हैं और कौन से कौन से टूर्नामेंट होता है और बेसिक रूल्स और तो पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बोले तो कांच घर में होता है और लड़ाई भी हो जाता है तो ये सब भी हम लोग देखते हैं खास करके अगर देखे पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि पाकिस्तान भी उसकास में अच्छा खेलता है तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब टकराव हो गया होगा मैच के अंदर मैच uh, में बहुत ज्यादा होता है मतलब जो भी अंदर जाता है कोर्ट प्ले मतलब जीतने जाता है तो जो भी करना हो अगर दूसरे बंदे को थोड़ा मार पीट भी करना होता है तो लोगों करते हैं पर नग, सबसे आपको ट्राई करना होता है कि आप ज्यादा मतलब मारो नहीं और थोड़ा सा अवेयर रहो सब लोग के साथ और आपको क्लियर करना होता है कि आप दूसरे बंदे को जगह दो नग, बॉल मारने के लिए अगर आ, आप अभी तक जितने भी मैच खेले हो सबसे लॉन्गेस्ट अगर टाइम के हिसाब से तो कौन सा सबसे लंबा मैच आप अभी तक खेल चुके हो मैंने ऐसे सोचा नहीं कभी पर ज्यादा लंबे नहीं होते मैच मतलब बीस तीस मिनट ले होते हैं नॉर्मली पर मुझे लगता है अभी मैंने एक महीने पहले एक मैच खेला था मतलब शायद फोर्टी मिनट्स या एक घंटा के बीच में होगा तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं क्योंकि आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हो तो टाइम तो ज़्यादा मिलता नहीं होगा तो प्रैक्टिस किस टाइम करते हैं और कितना टाइम तक प्रैक्टिस करना पड़ता है और कैसे मतलब जो कोच आपके होते हैं तो कैसे आपको सिखाते हैं आ, अभी जैसे आपने बोला था एग्जाम्स चल रहे तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं रहा है पर नॉर्मली जब टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं तब उसके टाइम में दो से तीन घंटे प्रैक्टिस करती हूँ um, स्कूल के बाद एक बार और कभी कभी स्कूल से पहले एक बार और um, एक हफ्ता में तीन बार फिटनेस भी करना होता है और मतलब um, स्ट्रेंथनिंग और मूवमेंट के सेशंस भी करने होते हैं पर हर रोज छः दिन um, हफ्ते में um, मैं हमेशा दो से तीन घंटे खेलती हूँ शाम को या स्कूल से पहले अभी अगर हम लोग प्लेयर के बारे में बोले इंडिया के प्लेयर्स और बाकी जो यूरोपियन प्लेयर्स है इजिप्ट वहाँ वहाँ से भी अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं तो क्या डिफरेंस आप देख रहे हो क्योंकि आप भी बाहर भी बहुत सारे मेडल जी, मेडल जीत चुके हो तो क्या डिफरेंस देखते हो यूरोपियन प्लेयर या फिर जो अभी टॉप में है प्लेयर्स उनके बीच क्या डिफरेंस आप देखते हैं मैं अगर मैं बोलूँ दो तीन साल पहले मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था आप देख सकते थे कि यूरोपियन और इजप्ट के प्लेयर्स तो इंडियन बहुत बुरी तरह हराते थे पर अब थोड़ी मतलब जैसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है तो मतलब लग, मुझे लगता है मेनली बस फैसिलिटीज़ और कोचेज का प्रॉब्लम होता था कि ज्यादा Um, लोग जानते नहीं थे स्कोश के बारे में तो ज्यादा स्कोश के कोर्ट्स नहीं होते थे और ज्यादा कोचेस मतलब कोच नहीं कर रहे होते थे तो मेनली वो ही प्रॉब्लम होता था मतलब स्किल और लग, जो जितना घंटे खेल रहे हो मतलब वो तो सेम ही रहता है लग, हर जगह पर मेनली बस फैसिलिटीज और स्कोश कोर्ट्स का ही प्रॉब्लम होता था अब पर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है पहले से अगर उड़ीसा के बारे में बोले आप जानती होगी उड़ीसा में तो बहुत सारे खेल हॉकी हो गया फुटबॉल हो गया उसको प्रमोट किया जा रहे हैं तो आप कभी उड़ीसा आए हैं अभी तक नहीं पर शायद फ्यूचर में कभी जी और एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि शायद बहुत लोग अभी जान चुके हैं कि पहले आप बैडमिंटन खेलने के लिए जा रही थी शायद ईयर्स तक उसके बाद आपके बहन के साथ आप जब स्क्वाश खेली तो फिर आपने स्क्वाश को मूव किया तो ये थोड़ा कहानी हम लोग को बताए हाँ हाँ जब मैं छः साल की होती थी मैं न, मैं तब बैडमिंटन खेलती थी और उस मेरी बड़ी बहन अमीरा वो स्क्वाश खेलती थी और मैं उसके साथ कोई कोई प्रैक्टिस सेशंस या टूर्नामेंट्स के जाती थी और Um, मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी होता था कि हम दोनों को डिफरेंट टूर्नामेंट्स में ले जाना पड़ता था क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलती थी और वो स्कोश और um, मैंने एक दो बार के लिए गई और प्रैक्टिस मतलब करा पर मुझे स्पोर्ट बहुत अच्छा लगा पर um, एक दो साल बीच में मैं बैडमिंटन और स्क्वाश दोनों साथ में खेल रही थी पर क्योंकि मुझे प्रोफेशनली खेलना था स्पोर्ट तो मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि मुझे एक एक से ही खेलना पड़ेगा और मैंने स्क्वाश पटकारा ये बहुत अच्छा हुआ भारत के लिए भी और आपके लिए भी शायद अभी मेरा आखिरी सवाल रहेगा जैसे क्रिकेट में बॉल डिफरेंट होता है स्क्वास में भी बहुत सारे कलर को कलर का बॉल होता है और उसमें बाउंस का मतलब डिफरेंस होता है कौन सा ज़्यादा बाउंस करता है और कम बाउंस करता है ऐसा कुछ है स्क्वास में आ, हाँ बहुत डिफरेंट टाइप के बॉल होता है एक दो होते हैं जो बिगिनर्स जिसके साथ खेलते हैं जो ज्यादा होता है तो उनके लिए ज़्यादा आसान होता है बॉल करने के लिए पर जैसे आप प्रोफेशनल खेलने लगते हो आपका एक एक होता होता है है जो हमेशा उसके साथ एक है, दो येलो डॉट उनके अंदर और वो ज्यादा इतना बाउंस नहीं होता और जैसे ही आप अच्छा होते रहते हो ऐसे अकॉर्डिंगली उसका बाउंस भी कम होता रहता है आ हमारे साथ जुड़ी हुए थे भारत की यंग सेंसेशन कह सकते हैं स्क्वास टीम में बहुत अच्छा कर रहे है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया -बहुत आप और स्पोर्ट्स को टाइम दे बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी बोलंत तो नहीं